हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आजी बेबी लेक्चर। और ये मुझे लग रहा है कि शायद हमारा लास्ट लेक्चर ना हो, ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के सिलसिले में मैंने आज का स्पेशल लेक्चर रखवाया। लेकिन मुझे थोड़ी सी सर अब कम बच्चे ही होते हैं। चलें बेटे, मैंने एक पोस्ट की थी, वो पोस्ट आप लोगों ने पढ़ ली होगी कि जो शाम को आप लोगों का आखिरी यूनिट वाइज टेस्ट है वो होने जा रहा है, जो कि पहले हो जाना था लेकिन इन्होंने फिर टेस्ट लेना बंद कर दिया। ठीक है, तो आखिरी जो हमारा टेस्ट था यूनिट वाइज बेटे, वो था बायो टेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन का। मैंने आपसे वादा किया था कि ये टेस्ट होके रहेगा। सो उसी सिलसिले में मैंने आज की थोड़ी सी ये इंटरेक्टिव सी मीटिंग रखवाई है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, एक तो आपका ये वाला टेस्ट होगा आज का, ये मैं लिख देता हूँ, टुडे लास्ट यूनिट वाइज टेस्ट। ठीक है, और इसका सिलेबस जो होगा, जो मैंने आपको लास्ट टाइम वादा किया था, वो क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी का जो यूएचएस का यूनिट है और इसके साथ एवोल्यूशन का। ठीक है, दो टॉपिक्स हैं बस एवोल्यूशन के और तीन चार टॉपिक्स हैं बायो टेक्नोलॉजी के। सो ये बेटे बेटे आप लोगों का आज के टेस्ट का सिलेबस होगा। कल फिर आप लोगों का जो एफएलपी स्टार्ट हो रहा है उसके लिए सर मंडे कर दें, क्योंकि टुमारो फर्स्ट ईयर कंप्लीट प्लीज। बेटे इतने दिनों से आपको कहा हुआ फर्स्ट ईयर कंप्लीट, तो अब आप लोग जो है ना इसको तैयार कर लें। अगर हमने कभी भी ऐसा नहीं होता कि यूनिट वाइज टेस्ट हाफ बुक के टेस्ट के बाद हो, कभी भी ऐसा नहीं होता। रमीश साहब भी आ गए, वेलकम बेटे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हाफ बुक के बाद यूनिट वाइज टेस्ट लिया जा रहा हो? हमेशा यूनिट वाइज हाफ बुक से पहले ही होता है। ठीक है बेटे, तो आपने इसको आज फाइनल कर देना है, फाइनल। ठीक है, तैयारी की हुई है आपने, आपको पता ही है मैंने जेनेटिक्स का दो दो मरतबा टेस्ट ले लिया, तो मैं सोच रहा था कि इनका क्यों ना लिया जाए आज ही। ठीक है बेटे, सो आज आप इन दो यूनिट्स को, ये छोटे छोटे ही हैं, बड़े भी नहीं हैं और आसान है, जितना मैंने आपको डिटेल से समझाया ना रगड़ा दे दे के, आपको तो कहना चाहिए सर अभी टेस्ट लें, इसी वक्त टेस्ट लें। सो तीन चार घंटे आज के ये तैयार करें, आपके पास शाम तक टाइम है। ठीक है, और कल फिर आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास दो हाफ बुक के टेस्ट हैं, एक फर्स्ट ईयर और एक सेकेंड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले जो चैप्टर्स हैं ना यूएचएस में, आपने वो अलग से निकाल लेने हैं। सो मैं डिवाइड कर देता हूँ ताकि बाद में बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सिलेबस जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का है ना, उसमें सीधी सीधी जो है ना वो तरतीब है, फर्स्ट ईयर पहले आ रही है, सेकेंड ईयर बाद में आ रही है, लेकिन बायो में आपको पता है मिक्स हैं, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। हमारे फर्स्ट ईयर के कौन से यूनिट्स हैं एमडी कैट में, यूएचएस के, यूएचएस फर्स्ट ईयर के कौन से यूनिट हैं, और उसके साथ यूएचएस सेकंड ईयर के यूनिट्स कौन से हैं, ताकि आप उसके हिसाब से ना अपना हाफ बुक डिसाइड कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये दो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस थी जो आपसे मैंने करनी थी, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। लें बटे, सबके पास अभी भी वो नहीं है, क्योंकि इतने वो माशाल्लाह से सियाने डाउनलोड ही नहीं करते सिलेबस। सो बेटे, यूनिट नंबर वन है आपका सेल, यूनिट नंबर टू है बायो मॉलिक्यूल्स, थ्री क्रोमोसोम एंड डीएनए यहाँ पे है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए इधर है, और चौथा मेरे ख्याल से सेल डिवीजन है। ठीक है, चौथा मेरे पास क्या बेटे, सेल डिवीजन मेरे ख्याल से है, सेल डिवीजन यहाँ पे आएगा, सेल डिवीजन पांचवा वैरायटी ऑफ लाइफ इधर आएगा, वैरायटी ऑफ लाइफ फर्स्ट ईयर वाले में शामिल होगा, और उसके बाद छठा बायो एनर्जेटिक्स भी यहीं पे ही शामिल होगा, बायो एनर्जेटिक्स, और उसके बाद बायो एनर्जेटिक्स के बाद है गैसियस एक्सचेंज भी यहीं पे होगा, गैस एक्सचेंज के बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और नोवा है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन,
और दसवां है इम्यूनिटी। ये वाले सारे चैप्टर बेटे फर्स्ट ईयर के हो गए, ठीक है। फर्स्ट ईयर तो रेडी है, गुड, तो सेकंड ईयर भी रेडी कर लें। सेल डिवीजन के बाद आपका नेक्स्ट आएगा होमियोस्टेसिस, 11वां चैप्टर होमियोस्टेसिस। उसके बाद 12वां चैप्टर होगा आपका मसल्स एंड मूवमेंट, 13वां चैप्टर होगा आपका कम्युनिकेशन, और 14वां चैप्टर होगा जी रिप्रोडक्शन, 15वां चैप्टर होगा जेनेटिक्स, 16वां चैप्टर होगा बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आज आपने तैयार भी करना है शाम के लिए, ये मैंने लिख दिया है, और आखिरी चैप्टर आपका होगा एवोल्यूशन, ठीक है बेटे। तो ये आपकी मैंने डिवीजन कर दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इसमें है और 9 इसमें है। सो ये आपका फर्स्ट हाफ होगा जो आपका सैटरडे को, और जो आपका नेक्स्ट हाफ होगा वो इन यूनिट्स में से आएगा, ठीक है। सर तैयारी तो आपने खूब करा दी, अब दुआ कीजिएगा, जी बेटे इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, आप में से किसने नम्स की रजिस्ट्रेशन करवाई है? हाँ जी बच्चों, आप में से किसने नम्स की रजिस्ट्रेशन करवाई है? सो मैं उसके लिए भी थोड़ी सी आपको गाइडलाइन कर दूँ, अगर तो कराई है। सो कुछ लोग बाद में भी ये वीडियो देखेंगे, इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसका टॉपिक लिखा हुआ है। सो बता दूँ बेटे, एमडी कैड में ना सिलेबस बहुत कम है, सो उसमें तो ये आपकी जो है ना तैयारी ईजीली हो जाएगी, और इसमें आप लोगों ने टॉपिक से रेलिवेंट ज़्यादा तो ज़्यादा रहना है, इररेलीवेंट चीज़ों को नहीं देखना है एमडी कैड में। हाँ, येलो बॉक्सेस वगैरह अगर साइड पे बने हुए हैं ना तो उनको नहीं छोड़ना आपने, वो एमडी कैड में आप पे फ़र्ज हैं, थोड़ा थोड़ा रेलिवेंट इधर उधर से मटीरियल ले सकते हैं। लेकिन नम्स में, नम्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसकी तैयारी कैसे करें? इसका सिलेबस डाउनलोड करें और उस सिलेबस को गो थ्रू करें, इसका सिलेबस ज़्यादा है, ठीक है बेटे। और मज़े की बात यह है कि आपका नम्स का टेस्ट पहले है, जब आप नम्स का सिलेबस गो थ्रू करेंगे ना तो उसमें सारे एमडी कैट के टॉपिक्स ऑलरेडी आ जाएंगे, जो चीज़ ज़्यादा होती है ना उसको करने से कम वाली ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। सो नम्स का सिलेबस डाउनलोड करें, देखें आप, उसमें ऐसा लगेगा आपको पूरी फर्स्ट ईयर पूरी सेकेंड ईयर है मोस्टली, ठीक है बेटे। उसके लिए फिर आप लोग जो है ना वो सारी सारे चैप्टर्स तैयार करेंगे, दो बहुत कम हैं जो उसमें से मिसिंग है, और इसके लिए आप लोग जो है ना वो कुछ यूनिट्स जो आपको नहीं मिलेंगे ना पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, वो ए लेवल्स की बुक में मिलेंगे। जब आप नम्स का सिलेबस डाउनलोड करेंगे ना तो कुछ चैप्टर्स, बेटे नम्स की वेबसाइट पर ये सिलेबस अपलोड हुआ हुआ है, आप लिखें नम्स सिलेबस डाउनलोड, तो नम्स पाक की जो वेबसाइट है उसमें से ये डाउनलोड करें। तो जो आपको टॉपिक अपनी बुक में नहीं मिलते, मसलन कुछ चैप्टर ऐसे होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो नहीं मिलेंगे, उसको पढ़ने के लिए आप फिर ए लेवल्स की बुक खोलेंगे, वो अब आपको मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी ड्राइव पे काफ़ी दिन से अपलोड की हुई है। मसलन इन्फेक्शियस डिजीज़ का एक चैप्टर नम्स में है, वो आपको ए लेवल्स में से मिलेगा, वो पंजाब बुक में नहीं है। सर नम्स के सिलेबस में ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो यूएच, वही तो मैंने बताया बेटे, मैंने भी तो यही कहा है कि नम्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ऐसे बहुत से थी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो यूएचएस में नहीं है। सो इतनी ज़्यादा तैयारी करने के बाद यूएचएस की तो ऑटोमेटिक हो जानी है, हाँ उनकी नहीं होगी जो एमडी कैट में है, नम्स में नहीं है। सो ऐसे फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे काम, लेकिन वैसे नम्स के सिलेबस में जो टॉपिक्स आपको अपनी बुक से ना मिलें, मतलब डाइजेशन वाला मिल जाएगा, डाइजेसिव सिस्टम वाला मिल जाएगा, किंगडम्स वाला मिल जाएगा आपको अपनी बुक में, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज वाला चैप्टर नहीं मिलेगा, तो उसको खोलें कहाँ से? ए लेवल की बुक से खोलें, तो फेडरल की बुक से खोल लें, ठीक है बेटे। सो ए लेवल्स की बुक मैंने अपलोड की हुई है अपनी ड्राइव में, वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन नम्स में सीटें बहुत कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, मेरिट भी ज़्यादा है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी नम्स की तैयारी के बाद एमडी कैट की तैयारी में इजाफा हो जाएगा, ठीक है बेटे। मैंने नम्स की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, बहुत अच्छा बेटे, आप एमडी कैट पे ध्यान दें, ठीक है। और एमडी कैट की तैयारी करते वक्त भी इतना भी बिल्कुल भी फोकस ना हो जाएं कि टॉपिक से इधर उधर बिल्कुल भी ना पढ़ें, यार येलो बॉक्सेस बना हुआ है तो पढ़ लें, डायग्राम के नीचे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती हैं वो पढ़ लें, वो बड़ी क्या नाम है काम की होती हैं। और उसके अलावा टेबल्स बने हुए हैं वो पढ़ लें, सो थोड़े बहुत आसपास के बॉक्सेस वगैरह को टच करते रहें, उनमें से भी एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। और बुक की रीडिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, अच्छी तरह करें,
बेटा कोई बात नहीं, नहीं करवाई तो ना हो, कोई मसला नहीं, आप एमडी कैट पे फोकस करें, इसमें तो कोई बात नहीं है, बल्कि जिसने कराई वो भी ठीक है, जिसने नहीं कराई वो भी ठीक है। चलें, ये था आज का मेरी तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेज कि एक आपका टेस्ट शाम को होगा। शाम को जो टेस्ट होगा बेटे, उसमें ये दो लास्ट चैप्टर जिनका टेस्ट रह गया था वो है, और उसके अलावा ये आपके यूनिट वाइज हाफ बुक्स हैं, फर्स्ट ईयर के ये यूनिट्स होंगे, सेकंड ईयर के ये यूनिट्स होंगे, इनका टेस्ट आएगा। ठीक है बेटे, चलें जी, इंशाल्लाह फिर किसी दिन मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही तो और अल्लाह ने चाहा तो। आज के लिए इतना ही। सर बस मैसेंजर पे रिप्लाई। जी बेटे, मैं मैसेंजर खोलते ही बड़े अरसे बाद मुझे, जब खोलूँगा इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगा, लेकिन अब आपके एमडी कैट होने तक, मुझे लगता है कि एमडी कैट होने तक मुझे जो है ना वो रेगुलर खोलना पड़ेगा, क्या नाम है, मैसेंजर। चलें बेटे, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। लास्ट भी फ्राइडे था जब हमने अलविदा किया था, आज भी फ्राइडे है। सो अल्लाह ताला फ्राइडे की बरकतें आपको अता फरमाए और इंशाल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।